दिल्ली आगरा कानपुर मथुरा वृंदावन होते जी ओके जमुना माता इधर से ये गंगा माता ऋषिकेश हिमालय पर्वत संगम क्षेत्र आ चुके हैं। ये देख लो आप लोग नजारा, अभी चल के हम आगे से दिखाते हैं आप लोगों को। एक बारी जरूर आए और आप साइबेरिया पक्षी देखना चाहते हैं तो आप मांग मिला मकर संक्रांति के बाद। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल विजिटोपिया ब्लॉगिंग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं संगम घूमने क्योंकि माघ मेला स्टार्ट होने वाला है। आपका मकर संक्रांति जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले ये मैं वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं पूरी जानकारी दे सकूँ और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, प्रयागराज में आने का इजली वे कौन सा होगा, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहे, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वे आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। वीडियो में बने रहे, मैं सब कुछ दिखाता हूं। गाइस, अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग यहां पहुंच कैसे सकते हैं। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से यहां आना चाहते हैं प्रयागराज के लिए तो आपको इजली यहां फ्लाइट भी मिल जाएगी, ट्रेन भी मिल जाएगी। तो आप प्रयागराज के लिए ट्रेन ले लीजिए या फ्लाइट ले लीजिए और वहां से आप इजली संगम के लिए 10-20 रुपए ऑटो का रिक्शा देके भाड़ा देके आप संगम के लिए आ सकते हैं। और मैंने आपको वीडियो में बताया है आप कहां नहा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, माघ मेला में कहां कहां घूम सकते हैं। तो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दो ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। संगम आएंगे, मेन संगम आ जाएंगे ना तो आपको बड़ा हनुमान जी दिख जाएंगे यहीं पे। तो अभी माघ मेला का तैयारी चल रहा है, आपको जनवरी में शुरू होगा ये आपका, अब मकर संक्रांति के बाद शुरू जाएगा 14 जनवरी के बाद माघ मेला। तो ये देख रहे हैं सामने आप लोग दिख रहा होगा गेट, और वही है बड़े हनुमान जी। अगर आप यहाँ आए तो बड़े हनुमान जी भी आए, चलिए दिखाते हैं अंदर से दर्शन करके, ठीक है। वीडियो में बने रहे आप लोग, दिखाते हैं दर्शन करके। ये देखिए, ये द गाइज प्रवेश द्वार है दोस्तों बड़े हनुमान जी मंदिर का, और हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए अंदर बहुत ही भीड़ है दोस्तों, चल के दिखाते हैं अंदर। ये देखिए, वीडियो में बने रहो दोस्तों, दिखाते हैं। ये देखिए, ये एंट्री गेट है बड़े हनुमान जी का। ये देखिए, निकास द्वार, एंट्री और एग्जिट एक ही है, अभी तो भीड़ नहीं है इसलिए। गाइस आप बाहर से भी प्रसाद ले सकते हैं और मंदिर के अंदर भी आके आप प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। देखिए एक ये हनुमान जी एक यहाँ पे हैं। ये देखिए, बोलो जय श्री राम। देखो दोस्तों, जैसे एंट्री मारेंगे आपको ये दिख जाएंगे बड़े हनुमान जी, अंदर भी दर्शन करने का है। और साइड में ही आपको हवन कुंड दिख जाएगा। ये देखिए हनुमान जी के मंदिर के बाहर ही। अब हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं, जानकी मंदिर देखो, वो है ना राम जानकी मंदिर। ये देखिए चल रहे हैं, आना आप लोग को दिखाते हैं, इस वीडियो में बने रहे। ये देखो दोस्तों, उतर रहे हैं और बाहर दिखाते हैं आप लोग यहाँ आएंगे तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब जैसे ही आप हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ये आएंगे नीचे तो आपको ये बरगद का पेड़ दिख जाएगा और यहाँ आप लोग आराम से बैठ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और यहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। ये सब ऐसी दुकानें अंदर मिल जाएंगी, अभी भीड़ बहुत ही कम है क्योंकि अभी माघ मेला भी स्टार्ट नहीं हुआ है और आपका संगम भी नहीं स्टार्ट है, नहीं तो यहाँ भाई खड़े होने की जगह नहीं होती है। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे खाने वाने का भी लंगर लगता है। अभी माघ मेला की तैयारी चल रही है तो मैं इस वीडियो को इसीलिए बनाया हूँ कि आप लोग माघ मेला में आ सके तो यहाँ यहाँ आ सके। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद, बड़े हनुमान जी दर्शन करने के बाद आप बाहर की तरफ आगे आएंगे तो देखिए, वो मैं अभी भीड़ नहीं थी तो मैंने आपको दिखाया था एंट्री एग्जिट एक ही था, एक्चुअली वो एग्जिट था। देखिए एंट्री गेट ये रहेगा आपका, जब आप आएंगे माघ मेला में तो ये रहेगा, ये देख लीजिए, ये आपका रहेगा दोस्तों, ये आपका रहेगा एंट्री गेट। और आपको ये देखिए किला, अब नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो हनुमान जी आ जाएंगे और संगम में ही ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपको ये किला है ना, ये किला है, किला भी आप आके घूम सकते हैं। ये देखो इलाहाबाद का ये एक किला है गाइस, तो यहाँ भी आप लोग घूमे आए। ये देख लीजिए, माघ मेला में आएंगे तो आपको ऐसे लंगर देखने को मिल जाएगा जहाँ लोग खाना वाना खाते हैं। ये देखिए आप लोग आके लंगर भी खा सकते हैं और उधर भी लंगर लगा हुआ है,
वहाँ भी खा सकते हैं। गाइज अभी माघ मेला का प्रिपरेशन शुरू हो रहा है, तो जनवरी में शुरू होगा तो बहुत ही भीड़ होगा, तैयारी अभी से चल रही है। ये देख लो दोस्तों, ये क्या है भाऊ जी? इसको ब्राह्मी संजीवनी बोलते हैं। ब्राह्मी संजीवनी, और ये क्या है? ये कंदमूल फल है जो भगवान राम सीता माता वनवास के दौरान। अच्छा जी, दोस्तों हम लोग अब दर्शन करके गंगा जी की तरफ जा रहे हैं। आप लोग आए तो पहले हनुमान जी दर्शन कर लें, आप स्नान करके गंगा जी का, हनुमान जी फिर दर्शन कर लें। और ये देखिए, आपको रास्ते में ऐसे घर के लिए सामानें मिलेंगी, आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसी ऐसी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इधर जो आप पूरा कैंप देख रहे होंगे, टेंट देख रहे होंगे, जब आपका मकर संक्रांति के बाद 14 जनवरी के बाद जो माघ मेला स्टार्ट होगा उसकी तैयारी चल रही है। महाकुंभ तो अभी 2025 में होगा, तो ये माघ मेला की तैयारी है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं इस वीडियो को जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आए तो आप इजली, आप खाना यहाँ बहुत महंगा है नहीं, आप इजली यहाँ खाना वाना भी खा सकते। देखिए भैया, फुल्की कैसे है? 10 रुपये का कितना खिला रहे भैया? 10 का 4 है भैया, थोड़ा सा महंगा है। ये देखिए, अभी मेरा नंबर आएगा, ये देखिए आ गया। अभी मैं खाने वाला हूँ। ये केसर है क्या भाऊ जी? केसर है क्या? केसर देखो भैया, शिलाजीत देखो, केसर। संगम क्षेत्र आ चुके हैं, ये देख लो आप लोग नजारा। अभी चल के हम आगे से दिखाते हैं आप लोगों को। ये देख लो, अभी माघ मेला की तैयारी चल रही है। अभी जो आप खाली देख रहे हैं, अभी जनवरी में ये खाली नहीं दिखेगा, ये पूरा कैंप बन जाएगा, ये पूरा कैंप बन जाएगा गाइस। ये आप लोग देख रहे हो ना, ये जोता हुआ है पूरा, ये पूरा कैंप बन जाएगा। तो आगे हम चल के आप लोगों को दिखाते हैं गंगा जी, और बोटिंग भी करेंगे। बोटिंग का कितना चार्ज आएगा, कितना लगेगा, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। तो ये माघ मेला का मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था माघ मेला के लिए। तो आप गाइस देख सकते हैं, ये जो पक्षी उड़ रहे हैं ना, ये विदेशी पक्षी है, 4 महीने के लिए बस यहाँ पे आते हैं। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड हो जाती है, साइबेरिया वगैरह रशिया में, तो वहाँ से ये उड़ के आते हैं। अब देख रहे हो ना, तो मैं चल के दिखाता हूँ पास में आप लोगों को। तो आप जो ये देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बन रहा है, ये माघ मेला की तैयारी चल रही है, ये देख सकते हो आप लोग। और ये देखो, आप आके यहाँ इजली स्नान कर सकते हैं, ये माघ मेला की पूरी तैयारी चल रही है। आप यहाँ के स्नान करिए, स्नान करने के बाद ये आगे जैसा कि मैंने आपको दिखाया संगम, जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, देखिए यहाँ स्नान करने का बना हुआ है, ये देख लो आप लोग। दोस्तों जैसा ये आप लोग देख रहे हो, देख लो आप लोग, ये यमुना जी के पानी से स्नान हो रहा है। सब दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ से बॉटल वगैरह लेके पानी ले सकते हो। ये देखो, ये देख लो दोस्तों, इधर अभी बहुत भीड़, बहुत ही कम है। माघ मेला आपका मकर संक्रांति के बाद बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगा यहाँ, ये देख लो पूरा। दोस्तों अब हम लोग बोट वाले से बात हो गई है, 40-40 रुपये बोट का लग रहा है, और हम लोग सब लोग बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। और वो सामने आगे संगम है, जहाँ पानी अलग अलग होता है, वहाँ तक लेके जाएंगे। चलिए आगे वीडियो में बने रहे, हम दिखाते हैं आप लोगों को। 40-40 रुपये बोट का लग रहा है, अगर आप आते हैं उस समय तो कुछ महंगा हो सकता है माघ मेला में, आप बार्गेनिंग जरूर करिएगा। आप आइए तो बार्गेनिंग करिए, सस्ता लेंगे वो। ठीक है गाइस, बने रहिए वीडियो में, मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये है साइबेरियन पक्षी, ठंड में वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है साइबेरिया में, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो हाँ, ये देखो दोस्तों, कुछ बोलना चाहते हो सुनील भाई? भाई आप कहीं भी हो, माघ मेला जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो एक बारी जरूर आए। और आप साइबेरिया पक्षी देखना चाहते हैं तो आप माघ मेला मकर संक्रांति के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग एक बार जरूर आए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कैसे आना है, कहाँ आना है, कैसे दर्शन होगा, आप कहाँ घूम सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बन रही वीडियो में आगे दिखाते हैं संगम, जहाँ से गंगा और यमुना मिलती है, तो वीडियो में आगे दिखाऊंगा आपको।
सीधे से यमुना जी आ रही हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये सीधे इधर से यमुना जी आ रही हैं और दोस्तों ये इधर से गंगा जी आ रहे हैं, इधर इधर साइड से आपको दिख रहा होगा, इधर से गंगा जी आ रही है और ये देखो आप लोग बोट पे सब नहा रहे हैं क्योंकि इधर पानी ज़्यादा है, तो आप लोग आइए तो बिल्कुल घूमिए, बोट का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है गाइस। आप लोग माघ मेला में आएंगे तो 50-60 रुपये लग सकता है लेकिन बार्गेनिंग करेंगे तो सस्ता ही होगा कुछ। ये देख लो गाइस, आप लोग ये देख लो, आप इधर गंगा जी देखेंगे और इधर यमुना जी, ये पूरा संगम है, ये देख लो, ये इधर से जमुना माता, ये जमुना माता आती है दिल्ली आगरा कानपुर मथुरा वृंदावन होते जी, ठीक ओके, ये जमुना माता, इधर से ये गंगा माता ऋषिकेश हिमालय पर्वत होते हुए पापा मोपुल होते हुए यहाँ आके माता रानी मिल जाती, यहाँ माता रानी दो जल दिखाई देता, तीसरी नहीं दिखाई देती, तीसरी माता ये किले से आती है, यहाँ पे आके माता रानी विलुप्त हो जाती है, उन्हीं के नाम से यहाँ सुख शांति के लिए घर परवाती है, कोई लड्डू पेड़ भोग नहीं लगता, खाली माता रानी करता है श्री फल नारियल, यहाँ आए हैं तो माता रानी नारियल लेके चढ़ा के फिर जो है जल को मार्जिन करके करते हैं। तो भैया माघ मेला कब से यहाँ स्टार्ट होगा? 14 जनवरी से माघ मेला स्टार्ट होगा। अब भैया अपना नाम बता दीजिए। मदन निषाद। आपका ना बोट कहाँ लगता है, नाव कहाँ लगता है वहाँ बता दीजिए। आप लगता है यही। आप ये आप वहाँ से सीधे आएंगे, आप ये किला से जब सीधे निकल के आएंगे इधर संगम की तरफ, तो भैया मदन नाम है, मदन निषाद, तो भैया के बोट पे आइए, बहुत बार्गेनिंग करके बहुत अच्छे से आपको घुमा देंगे, पूरा जानकारी दे देंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहो, मैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। हिंदू परंपरा में त्रिवेणी संगम तीन नदियों का संगम है, माँ गंगा यमुना सरस्वती, यह एक पवित्र स्थान भी है, कहा जाता है यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों मैं आपको माघ मेला के बारे में पूरा बताया हूँ, कैसे यहाँ आ सकते हैं, इजली कहाँ से ट्रेनें आपको मिलेंगी, यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है। तो वीडियो यहीं तक थी, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपके साथ पहुँच सके। अब मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर गंगे, जय हिंद।